दोस्तों, आपने धरती पर बहुत अनोखे अनोखे जीव देखे होंगे और सुने होंगे। कुछ जीव तो बहुत लंबे होते हैं और कुछ बिना खाए रह सकते हैं। कुछ पर गर्मी का असर नहीं होता तो कुछ पर सर्दी का असर नहीं होता। लेकिन आज जो जीव हम आपको बताने वाले हैं वो बिना सांस लिए जिंदा रह सकता है। दोस्तों, हेनेगुआ साल्मिनिकोला नाम का यह जीव बिना हवा के भी पृथ्वी पर जिंदा रह सकता है। मैं आपको बता दूं कि यह एक इकलौता ऐसा जीव है जो बिना सांस लिए किसी दूसरे होस्ट में जी सकता है। वैसे अपने आप में ही बहुत अनोखी बात है। इसके पास किसी भी तरह से सांस लेने के लिए कोई मूलभूत संरचना मौजूद नहीं है। दोस्तों, यह जीव एक पैरासाइट है जो कि अपने आप को बचाए रखने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। वैसे ज्यादातर परजीवी अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक विशेष तरह के स्पोर का इस्तेमाल करते हैं। यह स्पोर उन्हें दूसरे जीवों के अंदर और उन पर कब्जा करने में मदद करता है। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने साल्मिनिकोला के स्पोर को एक मछली के होस्ट टिश्यू में डाला तो देखा कि बढ़ने के लिए यह परजीवी हवा का ही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस बात ने वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल दिया था कि आखिर कैसे एक परजीवी बिना सांस लिए होस्ट टिश्यू के अंदर बढ़ सकता है, जी सकता है। क्योंकि किसी भी होस्ट टिश्यू में बढ़ने के लिए कई सारे जटिल जैविक प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ती है और इन प्रक्रियाओं के लिए हवा का होना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया में मौजूद अन्य बाकी जीवों के डीएनए में सांस लेने के लिए विशेष रूप से गुण मौजूद होते हैं। कुछ न कुछ संरचनाएं जरूर बनी हुई होती हैं, लेकिन एच साल्मिनिकोला के अंदर सांस लेने के लिए किसी भी प्रकार के कोई गुण सूत्रों का समूह संरचना नहीं है। इसलिए यह परजीवी बिना सांस के भी जिंदा रह सकता है। वैसे यह एक अजीब बात भी है कि एच साल्मिनिकोला की श्रेणी में आने वाले अन्य परजीवी ज्यादातर सांस लेने के योग्य हैं, परंतु एच साल्मिनिकोला ही एक ऐसा परजीवी है जो सांस लेने के लिए बना ही नहीं है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि देखने में यह बिल्कुल जेलीफिश जैसा दिखता है। तो दोस्तों, यह है दुनिया का बहुत विचित्र जीव। दोस्तों, इस विचित्र जीव के लिए लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को अगर आपको ऐसी और भी जानकारी फ्यूचर में चाहिए तो, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।